हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन कॉर्न हॉर्स लवर्स। दोस्तों, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की आप सभी भारतीयों को, अश्व प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है गणतंत्र दिवस और काफ़ी शुभ दिवस हमारे भारत वर्ष के लिए। और ये 73 यानी 73वां गणतंत्र दिवस है, तो इसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी वीडियो में कुछ जानकारी है नहीं, बस आज चैनल का नाम है इंडियन कॉर्न हॉर्स लवर्स। इस जो बोल सकते हैं कि नाम के कारण भारतीय होने के नाते और चैनल का नाम भी इंडियन होने के कारण इसी से एक वीडियो आज बना रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो स्वरूप को। अभी स्वरूप का सबसे पहले जो है वो पैर जो है वो मैं बताऊंगा। ये पूरी तरह से देख सकते हैं, दोनों भी एकदम सेम हो गए हैं। जो तकलीफ थी, सूजन थी, टोटली निकल गई है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और ये अभी काफ़ी रेगुलर हो चुका है धीरे धीरे। अभी जो ठंड के कारण काफ़ी कोट बढ़ गया था, घोड़े के बाल बढ़ गए थे, तो अभी कल से मैंने इसका जो ग्रूमिंग है प्रॉपर तरीके से चालू किया है, तो अभी काफ़ी बाल झड़ने लग गए हैं। और कल मैंने इसके जो बाल थे गर्दन के वो भी निकाल डाले, क्योंकि वो जब काटे थे तो ठीक से आए नहीं थे, तो अभी एक बार फिर से काट लिए ताकि वो अभी प्रॉपर तरीके से और एक जैसे आएंगे। बाकी आप स्वरूप की ग्रोथ देख सकते हो। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि स्वरूप को जब पैर में चोट आई थी तो वो काफ़ी हालत उसकी ख़राब हो गई थी, ठीक से ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो वैसा ही है जैसा पहले था और वैसा ही डाइट है, वैसा ही सब कुछ है, कुछ कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अब जो सामने से देखते हैं उसे समझ में आएगा, वीडियो में हर बार क्लियर नहीं समझ में आएंगी। पहले पुट्ठा कैसा दिखता था और अभी पुट्ठा देखो किस प्रकार से दिख रहा है घोड़े का। तो ये एक बदल यानी चेंजेस आए हैं। कोट धीरे धीरे अभी चेंज होगा। बहुत लोगों के कमेंट्स ये भी थी कि घोड़े को शाइन क्यों नहीं है। घोड़े को शाइन बहुत है, लेकिन ग्रूमिंग में कम कर रहा था, लेकिन अभी ग्रूमिंग स्टार्ट कर दी है। अभी डेली उसकी ग्रूमिंग करेंगे तो जितने हो सके उतने बाल झड़ेंगे तो शाइनिंग भी आ जाएंगे। शाइन है लेकिन थोड़ी कम दिखती है, बाकी शाइन बहुत है, क्योंकि मैंने उसको कम से कम 10 से 12 लीटर जो ऑयल आता है तो वो मैंने उसको पिलाया था, और अभी वो ख़त्म हो गया तो फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी आप देख सकते हो बाल काटने का और एक रीज़न भी था दोस्तों, कि अभी एक परसों के दिन हम कहीं जाएंगे घोड़े को लेके, और उसकी डिटेल वीडियो में आपको तभी बताऊंगा कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। बहुत सारे घोड़े आएंगे और किधर जाएंगे, क्या जाएंगे, इसका पूरी एक वीडियो ही आएंगी, तो इसके बारे में अभी बताकर कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने उसके बाल काटे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है वहाँ पे, तो ज़रूर लेके जाएंगे वहाँ पे घोड़े वगैरह सब। तो यही थोड़ी छोटी सी अपडेट थी दोस्तों। बाकी वीडियो थोड़ी कम आ रही है, इसका कारण भी है क्योंकि मेरे अंकल जी का स्वर्गवास हुआ था, और इसके बाद में मैं कहीं गया नहीं और मूड भी नहीं था शूटिंग बनाए ऐसा कुछ। तो अभी कल येवला जाना था लेकिन येवला में मैं गया नहीं, क्योंकि मेरे कार का गैरेज में लगाई हुई थी, कार का थोड़ा सा काम था और बसेस भी बंद है, तो फिर मैं जा नहीं सका। लेकिन जल्दी से जल्दी अभी येवला मंडी की और अन्य भी वीडियो आएंगी, क्योंकि घर में अगर कोई दुख हो जाता है, दुखद निदान हो जाता है, तो उसके लिए हम कहीं आना जाना जाए और हमारी शूटिंग करें, ये अच्छा, मुझे मन को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं कहीं गया नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और येवला मंडी की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी तो इस साल में वीडियो भी कम आई, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि येवला के जाने का, कल येवला जाना ही था लेकिन गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ और बस भी बंद है तो इसलिए जा नहीं सका। बाकी आप बता सकते हो स्वरूप में और क्या क्या चेंजेस या क्या करना चाहिए। स्वरूप के नए स्टेबल का जो है, जो एक्सरसाइज का जो स्टेबल है यानी पैडक, सॉरी स्टेबल ही बोल सकते हो उसे, तो उसका काम चालू है। अभी उसका काम हुआ नहीं पूरा, इसलिए उसकी भी वीडियो आएंगी जल्दी से जल्दी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आज थोड़ा सा भूसा मिक्स बढ़ाया है थोड़ा, और लीद और भूसा ये अभी दोनों मिक्स करके डाल देते हैं ताकि अभी ठंड ज़्यादा है तो उसको गर्माश लगे। बाकी यही थी अपडेट्स। यहाँ पे हमारी गाय कृष्णा और एक जो गाय थी हमारी सुरभि, जो हमने उसे दान कर दी है, मेरे अंकल जी का स्वर्गवास हुआ तो उनके प्रीत्यर्थ में वो उसे एक अच्छे गोपालक के लिए दान दे दी है। बाकी ये स्टैंड वगैरह तो है, और अभी इस यहाँ देख सकते हो कि सेंधा नमक का मैंने जो एक खड़ा है वो भी यहाँ पे रख दिया है ताकि वो चाटते रहे। बीच बीच में स्वरूप काफ़ी रस्सियाँ तोड़ डालता था, चबाता था, कपड़े चबाता था, और ये बोरिया है जो उस पर झूल डालते थे हम रात को, वो भी चबा लेता था। तो मैंने फिर सोचा कि ये नमक के काम कम होने से भी इसे घोड़े करते हैं, क्योंकि थोड़ा अनुभव था अभी तो। सेंधा नमक ऑलरेडी था लेकिन बीच में बंद कर दिया था तो अभी फिर से रखा है। तो दोस्तों यही छोटी सी अपडेट थी, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, और अभी रेगुलर वीडियो आते रहेंगे, कोशिश करेंगे हम बिल्कुल कि रेगुलर वीडियो करें। थैंक यू।